दोस्तों आपने ये लाइन तो सुनी होगी दैट यू आर द एवरेज ऑफ फाइव पीपल विद हुम यू स्पेंड योर मोस्ट ऑफ द टाइम। आप पांच लोगों के एवरेज रहते हो जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, और पांच अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आप अच्छा बनोगे। ये एक कहाँ तक सही है मैं आपको बता दूँ, इनडायरेक्टली ये 100% ट्रुथ है, क्योंकि जब मैं 10th क्लास में था, एग्जांपल बता रहा हूँ, जब मैं 10th क्लास में था मैं एक एवरेज स्टूडेंट था 9th क्लास तक, बट 10th क्लास में आई बिकेम द मींस टॉपर ऑफ माई क्लास और टॉप 3 में आ गया था मैं, 91% मेरी बनी थी। मैंने उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया, टॉपरों के साथ टाइम स्पेंड करना चालू किया, मैं उनके साथ पढ़ना चालू किया, वो पढ़ते थे तो मैं भी पढ़ना चालू कर दिया था। मतलब हम हमारा एक वो हो गया था कि जैसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया तो वैसा, तो मैंने पढ़ना चालू कर दिया था। उससे पहले मैं बहुत कम पढ़ता था, उसका रिजल्ट क्या है, मेरी परसेंटेज बनी। और जैसे कि 12th क्लास मैंने सोचा कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करूं और उसको पैसे कमाऊं, तो मैंने उस कम्युनिटी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड चालू कर दिया था ऑनलाइन ही, कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स के साथ, तो मैं स्लोली मेरी ऑनलाइन इनकम भी बिल्ड होना चालू हुई थी। मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग से 12th क्लास में 5000 रुपये बना रहा था। वो क्यों हुआ, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था जो वो काम करते हैं, तो इसका 100% रिज़ल्ट आते हैं।